लोग अनपढ़ लोग प्रधानमंत्री बन गया है तो चाहते हैं कि वो 40 तक प्रधानमंत्री रहे। 40 तक प्रधानमंत्री आप चाहते? जी हाँ, कि हर घर में एक बेरोजगार पैदा ले। जी हाँ, मुझे तो हनुमान मंदिर के भिखारियों का हेड बनाया जा रहा था। शादी हुई आपकी? जी हाँ, मैं लव मैरिज किया हूँ। लव मैरिज किया? मैं 2029 के बनारस की चुनाव लड़ने वाला। बनारस से चुनाव लड़ने वाले आप पटियाला जी? हाँ, मैं बनारस से चुनाव लड़ेंगे और जहाँ से बेरोजगारी पैदा करने वाला लड़ेगा वहाँ से मैं बेरोजगार लड़ूंगा। बस हमारे प्रधानमंत्री कौन है भारत के? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री? हाँ, नीतीश कुमार, लालू यादव राष्ट्रपति। नमस्कार, मैं हूँ निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं मौजूद हूँ पटना यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर एक चाय के स्टॉल पे, और चाय का जो स्टॉल है वो काफी दिलचस्प नाम लिखा है और वो नाम है बेरोजगार चाय बार। और सबसे अनोखी बात आपको दिखाते हैं कि इस चाय के स्टॉल पे मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, मोदी का चाय देते हुए तस्वीर लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ सुविधाएं भी दी हुई हैं कि विकलांग भाइयों बंधु को निःशुल्क चाय दिया जाएगा, शिक्षकों को एक महीना में एक दिन चाय निःशुल्क दिया जाएगा, सफाई कर्मी को एक दिन चाय निःशुल्क, और ये सब सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन और आई कार्ड अनिवार्य है, मतलब आई कार्ड बिना दिखाए चाय नहीं मिलने वाला यहाँ पे। और चलिए चलते हैं इस स्टॉल के मालिक के पास, जो कि काफ़ी हौसले वाले हैं। यहाँ पे वो बैठे हैं, आप देख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहेंगे इनको, क्योंकि ये विकलांग हैं और पढ़े लिखे हैं। विकलांग लोग, बहुत लोग हिम्मत हार जाते हैं और भीख मांगते हैं। डायरेक्ट इनसे बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? एडवोकेट एसपी पटियाला। एडवोकेट एसपी पटियाला। पटियाला तो कौन कौन सा डिग्री आप लिए थे? एलएलबी, एमए? जी, पॉलिटिकल साइंस से एमए है, लोक प्रशासन से हैं, हिस्ट्री से हैं, और एलएलबी है। एलएलबी? इतने डिग्री होने के बावजूद एक चाय हुआ है? इतने ये डिग्री बहुत है, लोग अनपढ़ लोग प्रधानमंत्री बन गया है, मुख्यमंत्री के दावेदार 8वां पास 9वां पास खोज रहा है, और हम अगर ट्रिपल एम ए करके, एलएलबी करके, हाई कोर्ट के एडवोकेट करके अगर चाय बेच रहे, बहुत बड़ी बात है। छोड़िए, बहुत बड़ी बात नहीं है? कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ बड़ी बात। अच्छा, ये मोदी की तस्वीर आपके दुकान पे? मेरे काफी ज्यादा प्यार करते हैं मोदी से? बहुत, वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। हम तो चाहते हैं कि वो 40 तक प्रधानमंत्री रहे। 40 तक प्रधानमंत्री आप चाहते? जी हाँ, कि हर घर में एक बेरोजगार पैदा ले, 40 तक प्रधानमंत्री रहे और हर एक घर में एक बेरोजगार रहे, बाप भी बेरोजगार रहे, बेटा भी बेरोजगार रहे, माँ भी बेरोजगार रहे और बहन भी बेरोजगार रहे, सब बेरोजगार। मोदी है तो मुमकिन है? जी हाँ, मोदी है तो ये मुमकिन है। तो आपको बुरा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है कि इसी यूनिवर्सिटी से निकले हैं? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ से ज्ञान हासिल किया हूँ और यहीं से हमें अब ज्ञान दे रहा हूँ। अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि मैं बेरोजगारी को दूर कर दिया, क्योंकि अब मैं बेरोजगार चाय बार के ओनर हो गया हूँ। ओनर हो गए, मालिक हो गए? जी हाँ, मालिक हो गए हैं। तो विकलांग लोगों को बहुत बार होता है कि बहुत लोग फोर्स करते हैं कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, भीख मांगो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? जी हाँ हुआ, मुझे हुआ ऐसा। जी हाँ, मुझे तो हनुमान मंदिर के भिखारियों का हेड बनाया जा रहा था। भिखारियों का हेड? जी हाँ, ऐसा होता है? जी हाँ, ऐसा पटना में बोरा धरल्ले से चलता है काम, हो जा रहा है। मंदिर मस्जिद के सामने मुझे चलिए, आपको पता चल जाए क्या हम लोग की इज्जत होती है, बड़े बड़े लोग जाते हैं जी। अब हम 3-4 साल से मंदिर नहीं जा रहे। क्यों? भगवान से प्रेम? भगवान तो है ही नहीं यार, हम मानवे नहीं करते। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरे लिए आप ही भगवान है। अच्छा, मतलब कि जो आपसे मोहब्बत करते हैं, मानते हैं, तो आपके लिए वो? हाँ, बस वही भगवान है, खड़े खम्भे में भगवान लोग। मतलब आपका साफ कहना है कि आपको लोग मजबूर किए कि भीख मांगो? हाँ, मुझे मजबूर किया गया कि पढ़ लिख के क्या करोगे। हमें तो इतना तक सुनने को मिला कि लांगड़ा अंदर पढ़ के क्या करता है, हम जो सोच नहीं करता वो करेंगे हम, और वो हम कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या? बहुत लोग टॉन्ट मारते होंगे कि ए विकलांग है आप, ऐसा? हाँ, कमेंट तो मारते हैं, लेकिन हम कहें कि मैं मानसिक रूप से विकलांग नहीं हूँ, शारीरिक रूप से खुश रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये खुश कितने हैं, आप देखिए इनके चेहरे पे। मैं मानसिक रूप से विकलांग नहीं हूँ, और शारीरिक विकलांगता कोई माने नहीं रखता यार, जब तक कोई मानसिक रूप से नहीं है। जब संसद हमारी मानसिक रूप से विकलांगों से भरी हो ही रही है। अच्छा, 11-12 कहाँ से किए थे? मैं अपने गांव से किया हूँ, आदर्श कहाँ किए? मध्य विद्यालय सागरपुर। अच्छा, माता पिता भी हैं? जी हाँ, माता पिता हैं, 4 भाई हैं और सब भाई मुझे ग्रेजुएट हैं। सब भाई? जी हाँ, पढ़े लिखे? जी हाँ, एक भाई अभी हाल ही में ग्रेजुएट किया यहाँ से, साइंस कॉलेज से। शादी हुई आपकी? जी हाँ, मैं लव मैरिज किया हूँ। लव मैरिज किया? आप देख सकते हैं कि पटियाला भाई, हाँ। पटियाला भाई ने लव मैरिज किया है। कितने साल का था कि प्यार हुआ और शादी हो गया? भाई, मैं प्यार 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 को प्यार ही रहने दो।
मोहब्बत तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इससे ज्यादा मत छेड़ो। कितने साल का रिलेशनशिप था ये मैं जानना चाहता हूं। मैं रिलेशन थी 6-7 महीना का था। 6-7 महीने हुए और फिर शादी में मैं किया हूं। मैं शादी में किसी के आन में किया हूं। बहुत मोहब्बत करते हैं। हां बहुत मोहब्बत करते हैं। आज भी वो सही है हमारे लिए सही है। वो क्या करती हैं? वो ब्यूटी पार्लर वाली। ब्यूटी पार्लर जी हाँ। तो आप ये चाय का जो बेरोजगार चाय खोले हैं, दुकान खोले हैं, स्टॉल छोटा सा एकदम ठीक यूनिवर्सिटी के सामने, कुछ तो मकसद होगा भाई। यहाँ पर ही यूनिवर्सिटी में कम से कम पढ़े लिखे लोग आएंगे। अगर मेरी विचारधारा से या मेरी एक काम से अगर 10 भी लोग खुश होते हैं तो समझते हैं कि मेरा बेरोजगार चाय बार सफल है और बेरोजगारी मुझे दूर हो गई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब सरकारी नौकरी तो नहीं लगेगी मुझे, और मैं सी और डी का नौकरी भी नहीं करेंगे, ए करेंगे, बी करेंगे। मोदी का तस्वीर लगाए हैं तो, और जैसे कि आपने कहा कि 40 और ये सब में साल में भी मोदी रहे तो अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि पॉलिटिक्स में भी आपको दिलचस्पी है। जी हाँ सर, मैं 2029 के बनारस की चुनाव लड़ने वाला हूँ। बनारस से चुनाव लड़ने वाले हैं आप? पटियाला जी हाँ, मैं बनारस से चुनाव लड़ेंगे। ओह निर्दलीय, अगर कोनो पार्टी टिकट दिया तो ठीक है, नहीं तो मैंने बनारस से चुनाव लड़ेंगे। मैंने बनारस से चुनाव लड़ेंगे और जहां से बेरोजगारी पैदा करने वाला लड़ेगा वहां से मैं बेरोजगार लड़ूंगा। बस बनारस की क्यों ना हो, बड़ौदा हो, मेरठ हो, जहां से बेरोजगारी पैदा करने वाला कंपनी चुनाव लड़ेगा वहां पर मैं बेरोजगार चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ेंगे आप बनारस से? जी हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा 29 में चुनाव। किससे नफरत है और किसको मानते हैं ये? मैं किसी से नफरत नहीं, ना मुझसे नफरत है किसी से, ना मुझे दोस्ती है, बस मोहब्बत है सबसे। थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा। चलिए आपका हौसला बुलंद है ये हम मानते हैं, ये हमारे व्यूअर्स मानते हैं। आप थोड़ा दिक्कत होता होगा चाय बनाने में, चलने में। आप देख सकते हैं कि वो साइड में ये अपना साइकिल रखे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत निकालने में दिक्कत होता ही होगा कि भाई कैसे करेंगे, अकेले कैसे करेंगे आप इतना? भाई विकलांगता एक चुनौती है और ये मुझे स्वीकार है, और 2014 के बाद से और स्वीकार हो गया। 2014 में ऐसा क्या हो गया था? हमारे दादा आ गए, अब कहें कि अब आप विकलांग नहीं, अब आप दिव्यांग हो गए, तो और हम मस्त हो गए। दिव्यांग विकलांग में क्या अंतर? हमको यही समझ में नहीं आता है, हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, वक्त आने पर 29 में देंगे। कौन बोला कि आपको आपकी दिव्यांग हो गए? दादा बोले, मोदी दादा बोले कि अब हिंदुस्तान अच्छा, में मोदी दादा मतलब मोदी दादा? हाँ मोदी दादा, जो गुजरात तस्वीर आप लगाए हैं। हाँ हाँ, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं। हाँ वही वही कहे। हाँ उनको प्रधानमंत्री नहीं मानते क्या? पता नहीं, नरेंद्र मोदी कोई तो प्रधानमंत्री है, लेकिन मैं मोदी दादा का शब्द जो गुजरात से उनको जानते हैं, और प्रधानमंत्री के तो मैं नामों नहीं जानते हैं नाम। हमारे प्रधानमंत्री कौन है भारत के? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री? हाँ नीतीश कुमार, लालू यादव राष्ट्रपति। बस लालू, आप देख सकते हैं ये गुस्सा है कि प्रेम है। मैं खड़ा हो गया, ये गुस्सा है कि प्रेम है। आप इतने पढ़े लिखे हैं और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार है? जी हाँ, नीतीश कुमार हमारे अंकल, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री हैं, और लालू प्रसाद यादव हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, वो राष्ट्रपति हैं, और हम किसी को जानवे नहीं करते। लालू नीतीश जिंदाबाद है आपके? हाँ लालू नीतीश जिंदाबाद है। लेकिन मोहब्बत तो मोदी दादा से है चाय के स्टॉल पे। तो यार मोहब्बत एक ही से न करेंगे, प्रेम तो कई से होता है, राह चलते प्रेम हो जाता है। जैसे अमेरिका में मोहब्बत हो जाती है, ट्रेन पर हाय होता है, उतरते बाय होता है, तो इसे मोदी दादा से मोहब्बत है। भेटेंगे तो हाय दादा, नहीं भेटे हैं तो दादा बाय बाय। लेकिन नीतीश दादा लालू की है तो हम उनको कहेंगे। ये तो पैसे का मकसद तो थोड़ा बहुत होगा ही, क्योंकि आप बेरोजगार थे। समस्या है भाई, पैसे के चलते यहाँ में यहाँ बैठे हुए हैं, और मुझे अब नौकरी वोकरी नहीं लगेगी। भीख मांगने से तो कहीं बेटर था, या आपने मुझे भीख मांगने के लिए तरस कर करते कि भीख मांगिए, वहाँ से मैं उठ के यहाँ आया हूँ, अब तो कुछ मैसेज आएगा। चलिए तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मैं तमाम सारे लोगों को ग्रेट तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं दो पैर से विकलांग, शारीरिक विकलांग होते हुए अगर इतनी बड़ी हौसला कर सकते हैं, तो आप फिर क्यों, आप देर क्यों कर रहे हैं, आइए ना। हमारे साथ पटियाला भाई थे जो कि पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, उनके पास बहुत सारी डिग्री है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के ठीक सामने वो स्टॉल खोलते हैं चाय का और वहाँ चाय बेचते हैं, बेरोजगार चाय बार नाम रखा है, और मोदी से कितना मोहब्बत है और प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री किसको मानते हैं वो तक बता दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हम लव मैरिज किए हैं और अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी कहानी जताई है। यहाँ तक कि उनको भीख मांगने पर मजबूर भी किया गया है कि
भीख मांगो, चाय का दुकान मत खोलो, लेकिन वो अपना हौसला बुलंद रखे थे और चाय बेचे थे। और क्या कुछ नहीं कहे पटियाला भाई, वो आपने सुन ही लिया, दर्द भी था, मस्ती भी था, हर चीज़ था उनके बातों में। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।